नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी पार्ट टू के 25 के करीब क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों सभी के सभी जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, जिसमें दोस्तों बताया गया IRDP वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर, यानी कि IRDP कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो उसका जो आंसर है दोस्तों जो है वो ऑप्शन ए, यानी कि 1978 से 1979 में IRDP को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बात करें सेकेंड क्वेश्चन के बारे में, विच रशियन बैंक ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम RBI टू ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच इन इंडिया, यानी कि रशियन बैंक कौन सा जिसने RBI से लाइसेंस लेके इंडिया में इसकी फर्स्ट ब्रांच जो है ओपन की थी। तो उसका बैंक का नाम है दोस्तों इनकम बैंक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के बारे में, विच रीजन अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन द लो ग्रोथ रेट ऑफ रियल नेशनल इनकम एज कम्पेयर टू मोनेट्री नेशनल इनकम। तो दोस्तों इसका जो आंसर है जो है ऑप्शन सी, यानी कि प्राइस लेवल इज इंक्रीजिंग। अब बात करें दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, विच ऑडिटर जनरल वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन फाइनेंस कमीशन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है जो ऑप्शन डी, यानी कि AK चंदा। अब मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करने वाला हूँ, विच ऑडिटर जनरल वाज गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेयरमैन फाइनेंस कमीशन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो AK चंदा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें 29 क्वेश्चन के बारे में, RBI वाज नेशनलाइज्ड इन, यानी कि RBI को नेशनलाइज कब किया गया था। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 1949 में, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब बात करें आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, विच पार्ट ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन अलॉटेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर री पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन इन 2003-2004 बजट प्रपोजल, यानी कि इसका जो आंसर है दोस्तों 24 पैसा को, यानी कि ऑप्शन ए। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करने वाला हूँ, विच पार्ट ऑफ इंडियन रुपी हैज़ बीन अलॉटेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर री पेइंग इंटरेस्ट ऑन लोन्स इन 2003-04 बजट प्रपोजल। उसका जो आंसर निकल गया है वो 24 पैसा, यानी कि ऑप्शन ए। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच कंट्री हैज़ फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि किस कंट्री में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो उसमें दोस्तों जो आंसर निकल क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि इंग्लैंड में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज, इंटरनेशनल ट्रेड का बेसिस क्या है। दोस्तों उसमें जो ऑप्शन है इसमें बताया गया बोथ द अबव, यानी कि जो ए और बी दोनों ऑप्शन है वो इसका आंसर है। इसमें ऑप्शन ए है क्या बता रही है, ओनली एब्सोल्यूट एडवांटेज, ओनली कंपेरेटिव एडवांटेज, ये दोनों ऑप्शन हैं दोस्तों, और जो है इसकी द बेसिक ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ कंट्रोल एंटरप्राइजेज। तो कौन सा दोस्तों इसका आंसर क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक इज़ कंट्रोल एंटरप्राइजेज बाय RBI। जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता था, वो दोस्तों RBI के द्वारा। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन। तो 12th फाइनेंस कमीशन है हमारा, उसके जो चेयरमैन है वो कौन है दोस्तों, उसका जो आंसर है सी रंगरंजन, यानी कि ऑप्शन ए, सी रंगरंजन जो है वो 12th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं। अब बात करें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, इंक्रीज इन नेट RBI क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट, इंक्रीज इन नेट RBI क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट बाय, तो अब जिसका आंसर है दोस्तों वो आंसर डी है, यानी कि ऑप्शन डी, मोनेटाइज डिफेक्ट इसका आंसर है, जिसमें RBI क्रेडिट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, विच इज़ पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें हमने दोस्तों जो कुछ पेयर बताए गए हैं जो कमेटी से रिलेटेड है, उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन ए है जो इसका आंसर बता ही दिया गया है, तो उसको भी हम बताएंगे, सुबह जो बाकी के ऑप्शन है उनको भी हम बताएंगे, जिसमें रेखी कमेटी इसको किसके साथ इसको कंपेयर किया गया है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आप बात करें सेकेंड ऑप्शन के हमारे नाजुन दापा कमेटी किसके लिए, वो रेलवे फेयर के लिए सही है। रंगरंजन कमेटी किसके लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए। गोपीपुराय कमेटी किसके लिए, बैंकिंग सर्विस इंप्रूवमेंट के लिए। यानी कि दोस्तों BCD ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल गलत है, यानी कि आपको जो ऑप्शन BCD है इनमें से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बन के गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकता है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में,
इंडिविजुअल कैन नॉट ओपन हिज अकाउंट इन, जो इंडिविजुअल लोग करते हैं वो कौन अपना अकाउंट कहाँ पे नहीं खोल सकते, जिसमें दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी इंडिविजुअल है वो अपना अकाउंट उसमें ओपन नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि उसका ऑप्शन जो आया है तो दोस्तों वो सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में, ड्यूरिंग 91-92 विच ऑर्गेनाइजेशन स्कीम बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन अनअर्थिंग ब्लैक मनी इन द इकॉनमी, यानी कि अनअर्थिंग ब्लैक मनी इन द इकॉनमी में कौन सी स्कीम आई थी 91 और 92 में, इसको बोला गया दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर, यानी कि NHB स्कीम आई थी जिसमें अनअर्थिंग ब्लैक मनी इन द इकॉनमी ऑफ इंडिया। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, SJSRY belong to अर्बन एरिया, यानी कि इसका आंसर है अर्बन एरिया, SJSRY belong to अर्बन एरिया, यानी कि इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में, 40 में दोस्तों क्या पूछेगा, व्हाट इज टैग फ्लैशन, यानी कि व्हाट इज टैग फ्लैशन, किसका जो इसका क्या मतलब है उसको उसमें बताया गया दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बताया गया, यानी कि इन्फ्लेशन विद डिप्रेशन इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में, एट प्रेजेंट द सेंट्रल इशू प्राइस फॉर वीट फॉर फैमिली BPL, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन इज ₹415 पर क्विंटल, यानी कि एट प्रेजेंट मौजूदा समय में सेंट्रल इशू प्राइस फॉर वीट फॉर अ फैमिली बिलो पॉवर्टी लाइन इज ₹415 पर क्विंटल, पर क्विंटल के हिसाब से इतने रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, विच कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर, दोस्तों जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे कमेटी के रिलेटेड वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, जिसमें इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चिल्ला कमेटी किसके लिए बनाई गई थी, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिफॉर्म इन टैक्स स्ट्रक्चर के लिए। अब बात करें 43 क्वेश्चन के बारे में, नरसिम्हा कमेटी वाज रिलेटेड, जो नरसिम्हा कमेटी थी वो किससे रिलेटेड थी, वो थी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म के बारे में। क्वेश्चन 44 में दोस्तों क्या पूछा गया था, स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन, जो स्लोगन लिया गया था गरीबी हटाओ वाज वो किस प्लान में, फाइव ईयर प्लान में लिया गया था, वो था फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो वो स्लोगन लिया गया था गरीबी हटाओ, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गवर्नमेंट एग्जाम में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में, विच इज़ ट्रू फॉर एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कौन सी इसमें ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें दोस्तों बताया गया ऑप्शन जो ओनली थ्री एंड फोर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही बताई गई, जिसमें दोस्तों ऑप्शन थ्री क्या बता रही है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट वाज अबॉलिश, और दोस्तों जो ऑप्शन फोर है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश, यानी अबॉलिश बताया गया, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट वाज अबॉलिश और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में, ड्यू टू विच रीजन इन इंडिया हैज़ टू एक्सपोर्ट गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड UK इन 1991, दोस्तों इसमें रीज़न पूछा गया है, ड्यू टू विच रीज़न इंडिया हैज़ टू एक्सपोर्ट गोल्ड टू बैंक ऑफ इंग्लैंड UK इन 1991, उसमें क्या कारण बताया गया, टू मीट फॉरन एक्सचेंज क्रिसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में, वन मेजर प्रपोजल ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 वाज, जो सबसे मेजर प्रपोजल वो थी वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए 1991 में वो कौन सी थी, तो उसका जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैसिलिटी ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन हायर प्रायोरिटी इंडस्ट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मैं फिर से रिपीट करने वाला हूँ, फैसिलिटी ऑफ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 51% इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में, इन विच बजट प्रपोजल टैक्स स्कीम ऑफ ₹1400 पर एनम फॉर स्मॉल रिटेलर वाज ड्रॉप्ड बाय, तो इसका ऑप्शन जो दोस्तों वो ऑप्शन डी, यानी कि 1997 से 1998 में जो ये था प्रपोजल आया था टैक्स स्कीम का, जिसमें ₹1400 पर एनम फॉर स्मॉल रिटेलर वाज ड्रॉप्ड इन 1997 to 1998। अब बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में, द नेशनलाइजेशन ऑफ द मेजर कमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन, जो मेजर कमर्शियल बैंक थे वो कब नेशनलाइज किए गए थे, तो उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में इनको नेशनलाइज किया गया था। अब दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, द हेडक्वार्टर ऑफ RBI इज़ इन,
जो आरबीआई का हेडक्वार्टर वो कहाँ पे दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यानी कि मुंबई में है हेडक्वार्टर आरबीआई का। अब दोस्तों जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो है सबसे, वो भी है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसमें स्मॉल स्केल सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन टोटल इंडियन एक्सपोर्ट इज़, स्मॉल स्केल सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन टोटल इंडियन एक्सपोर्ट इज़, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए यानी कि 1/3 है इसका राइट आंसर है स्मॉल स्केल सेक्टर कंट्रीब्यूशन टोटल इंडियन एक्सपोर्ट में। ये थे दोस्तों मेरे 25 के करीब क्वेश्चन जो इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट पे जो पंजाब एक्साइज एग्जाम में आने वाले हैं दोस्तों। मैं इसके अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो में है वो एमएसएमई में से रिलेटेड भी जो है 25 या 50 के करीब क्वेश्चन लेके आऊँगा। उसके लिए दोस्तों आपको करना क्या होगा, मेरे इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।